बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोशल मीडिया पे कुछ मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं वो यहूदियों से पैसा लेकर पाकिस्तान के जितनी भी खानकाहें और दरबार हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं और दलील इस्तदलाल ये पेश करते हैं कि खानकाहों पे शिरक हो रहा है, खानकाहों पे सजदे हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़िला मंडी बावलदीन के भिक्खी गांव में मैं इस वक्त दरबार पे मौजूद हूँ। दरबार पे मौजूद लोगों से मैं पूछ के आप लोगों का कंसेप्ट ये क्लियर करवाता हूँ कि क्या यहाँ पे सजदे हो रहे हैं, सजदे होते हैं, शिरक होता है या नहीं। आप इन सोशल मीडिया पे फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडाज में बिल्कुल ना आएँ। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा दरबार नहीं है जहाँ पे ये साबित कर सकें कि खालिस्तान दरबार को या साहिब दरबार को सजदा किया जा रहा हो। ये सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। आम सादा लोग मुसलमान जो कि पहले ही दीन से दूर हैं उनके दिलों में और दूरियां पैदा कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे आने वाले एक साहब हैं, इनसे इनका नाम भी पूछते हैं और बाकी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरकार, आपका नाम? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साकिब। जी साकिब साहब, कहाँ से आए आप? मैं खारिया से आया। खारिया से। साकिब साहब, एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी दरबारों पे आने वालों पे कि दरबारों पे जाके सजदे करते हैं, शिरक है। क्या पाकिस्तान के अंदर दरबारों पे शिरक हो रहा है? असल में सोशल मीडिया पर मैंने भी ये सूरत हाल देखी है कि चंद टोट किस्म के जो लोग हैं जिनकी इल्मी साख खुद कुछ नहीं है और उनकी मालूमात भी शायद कम है, जितने भी पाकिस्तान में अहले सुन्नत की जो दरगाहें हैं, जो दरबार हैं, वहाँ पर तो ऐसी कोई खराफात नहीं है। और हम तमाम अहले सुन्नत व जमात इसकी हम बिल्कुल मज़म्मत भी करते हैं। किसी भी दरबार पर ना सजदा होता है और ना हो रहा है। बल्कि आपके कैमरा में नज़र आ रहा होगा कि ये दो नौजवान यहाँ किबला की जाने मुँह करके नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि दरबार शरीफ तो इधर है। तो सूरत हाल ये है कि ये भिक्खी शरीफ है, दरगाह मुक़द्दसा भिक्खी शरीफ सैयदी हुज़ूर हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मरकज़ अनवर है। तो यहाँ दरबार के बाहर तो बाकायदा फतावा रज़विया शरीफ इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा का उनकी जल्द नंबर 26 का हवाला देकर तो बोर्ड भी लिखा गया है कि यहाँ आवाम 2 गज़ कब्र से दूर रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर जाली भी लगी हुई है जिससे आवाम कब्र को छूती भी नहीं है। एक इनकी ये दलील होती है कि जी कब्र पे जाना ही शिरक है। क्या जो लोग जिनके माँ बाप फौत हुए हुए हैं या जो लोग अपने पीरों मुर्शद उस्तादों या बुज़ुर्गों की कब्र पे जाते हैं तो वो क्या गलत करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक बाहर बोर्ड पर भी दर्ज है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि पहले मैंने कब्रों पर जाने से मना किया था, लेकिन अब आप कब्रों पर जाया करें। एक कब्रों पर जाने से बंदे को इबरत हासिल होती है और मौत याद आती है। और अगर किसी का बाप हो ही ना तो उसने जाना किस कब्र पे है? बाप तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग बस बाप की अजमत को नहीं जानते। वालिदैन की कब्र पर जब हाज़िर हों तो सरकार की हदीस पाक है कि जो बंदा हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्रों पर हाज़िर होता है अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। साकिब रज़ा साहब, इस वक्त दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का वज़ीर आज़म जो है उसकी अपनी जो आमदा औलाद है वो बग़ैर निकाह के है। ये जो हमारे कुछ नाआक़बत अंदेश दोस्त अपने पासपोर्ट लगवाने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए उन मुल्कों में जाके बैठ के ये इस किस्म की शरंगेज़ी फैला रहे हैं, क्या उनके वज़ीर आज़म का ये तरीका ठीक है? क्या हमें वो ये सबक देना चाहते हैं कि हम भी बग़ैर निकाह के अपनी इज़्तिवाजी ज़िंदगी शुरू कर लें और फिर हमारी औलादें भी हमारी कब्रों में ना आएँ? असल में हम तो मुसलमान हैं और हम हया के तकाज़ों को ज़रूर समझते भी हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सोसाइटी में रहने का अंदाज़ दिया है, हम तो उसी को सोसाइटी समझते हैं। और ये अखलाकियात से नहायत गिरी हुई हरकत है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म बग़ैर निकाह के औलाद का वारिस बनने वाला है। हम तो कम अज़ कम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और वो जो उनके हामी और हमायती हैं, पाकिस्तान को सुबह शाम गालियाँ निकालते हैं, तो उनके सोचने की मकाम है। बेशक उनके लिए सोचने वाली बात तो है। ये इंतहाई बेइज्जती वाला मकाम है कि बंदे की शनाख्त ही मशकूक हो जाए, तो हम तो इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि फिर ऐसी औलाद कब्रों पे जाने को अपना तौहीन समझेगी? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर तुम्हें हया नहीं तो फिर जो चाहे करो। यानी फिर वो बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कोई बेमुहारा जानवर होता है। शुक्रिया साकिब साहब। लोग हैं असल में